sorry. सुन लो भैया, इन कर्नाटक लगा दिया बीजेपी के लिए फाटक, ये खुलेगा नहीं लाला। आओ सारे ढोल बजा के हाथ उठा के तुम भी नाचो, जोड़ा जम के भारत हमने डीके खड़गे, सारे नाचो हटा दिया कर्नाटक से कमल हमने, सारे नाचो करप्शन में डूबे सारे राजपाट, छोड़ो नाचो हमने सारा स्टेट जीता पंजा छाया ऐसे नाचो। आजा डीके उछागे राहुल उछागे सिद्धा, नाचो 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 यारे नाचो, नाचो 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 डोसा खा के आओ मिलके नाचो। बड़े दिनों के बाद धन धन आके बाजी जीते है जाप, अजान जैसे मुद्दे रह गए सारे पीछे, रैलियों का रेला हारा जम के नाचो, 40% सरकार हारा, ढोल बजा के सारे नाचो, बजरंग बली का हाथ सर पे अपने ऐसे नाचो। छागे डीके छागे राहुल छागे सिद्धा, नाचो 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 सारे नाचो, नाचो 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 डोसा खा के सारे मिलके नाचो। नाचो भैया कर्नाटक, यहाँ बंद हुआ बीजेपी का नाटक। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से यह लड़ाई नहीं लड़ी, हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी। और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत को, मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है, सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो कर्नाटक का रिजल्ट भी आ गया और आदादोशुमार दिखा रहे हैं कि कांग्रेस वहां पे अपनी फुल मेजोरिटी में सरकार बनाएंगी। और पिछले एक डेढ़ महीने से बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी में रसाकसी चल रही थी, एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे थे, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे। अब जब ये रिजल्ट आ गया है तो पॉलिटिकल पार्टी के, बीजेपी के, कांग्रेस के, जेडीयू के जो टॉप मोस्ट लीडर है, उन्होंने बोले चलो एक पार्टी रखते हैं और अब जो जितनी भी एक दूसरे को खींचातानी किए, कीचड़ उछाले, जो भी बुरा भला कहे उसको भुला के एक पार्टी रखते ताकि शिकवे गले दूर हो जाए और फिर अगले इलेक्शन में फिर लड़ेंगे। तो उस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी भी बैठे थे और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह भी बैठे थे, उनके बिल्कुल बाजू में राहुल गांधी बैठे थे और लास्ट वन पे जेपी नड्डा, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी। तो सामने माइक दिया गया कि आप अपने जो भी फेवरेट सॉन्ग है हिंदी सिनेमा का आप अपना गाइए। तो जैसे कि सबसे ऊंचे पोस्ट पे हमारे पीएम आते हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ माइक दिया गया कि आप जो भी आपका फेवरेट गाना है वो आप गुनगुनाइए, किसी भी अंदाज में गुनगुनाइए, व्यूअर्स देखना चाहते हैं कि कैसा आप गाते हैं और इस इलेक्शन की जो इतना टेंशन था वो थोड़ा रिड्यूस हो जाए। तो पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ में जब माइक दिया गया तो पहले शर्माया, फिर उन्होंने गाए मुकेश का बहुत ही सुपरहिट गाना जिसके बोले हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना, इस दिल को तसल्ली दे देना, घबराए कभी तो मत रोना। उनकी दर्द भरी आवाज सुन के अमित शाह का दिल लरज गया। वो समझ रहे थे कि हमने बहुत मेहनत की कर्नाटक में, हमने क्या कुछ नहीं किया, हमने धमकी भी दे दिए कर्नाटक के रहने वालों को, हमने धमकी भी दे दी कि अगर कांग्रेस जीती तो कर्नाटक में दंगे भी हो सकते हैं। तो अमित शाह भी बहुत एकदम मोदी का गाना सुन के सैड हुए। तो उन्होंने अपने अंदाज में अपने हरदिल अजीज
दोस्त रहनुमा को एक तरीके से पटाने की कोशिश की और उन्होंने अमिताभ का याराना का वो गाना गाया जो कि किशोर दा ने अमर कर दिया था, भोले ओ भोले तू रूठा दिल टूटा मेरे यार को मना दे वो प्यार फिर जगा दे मेरे यार को मना दे वो प्यार फिर जगा दे। मैं आगे गया राहुल गांधी की तरफ, तो कल तक जो बीजेपी राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कहती थी, मगर उस दिन से जिस दिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी तो उसी दिन मैं समझ गया था कि अब ये पप्पू पप्पू नहीं है, ये बहुत ही बड़ा नेता बनेगा। और आज देख लीजिए कर्नाटक में पीएम नरेंद्र मोदी से कम रैली किया, इधर उधर की फेकंपा कुछ नहीं किया, लोकल मुद्दों पे जोर दिया। उनकी बहन प्रियंका गांधी ने भी लोकल मुद्दों पे जोर दी, भले ही उनपे कई कीचड़ उछल रहे थे लेकिन उन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और उसका नतीजा क्या हुआ, आज ये भाई बहन की जोड़ी और उनके जो नेशनल प्रेसिडेंट है उनकी जोड़ी उनकी मेहनत सब रंग लाई और कांग्रेस वन साइड कर्नाटक का इलेक्शन जीती, जिसकी वजह से जो बीजेपी का पूरे भारत पे 76% कब्जा था, दबदबा था, रुतबा था, तो खाली कर्नाटक हारने के बाद उनकी आधी एनर्जी चली गई। अब भारतीय जनता पार्टी का हाल फिलहाल में सिर्फ 34% भारत पे कब्जा है, रुतबा है, हुकूमत है, और आने वाले जो भी जो 4-5 इलेक्शन है हिंदुस्तान में, ये कर्नाटक इलेक्शन वहां पे बहुत ही बुरा असर डालेगा बीजेपी पे, और जिसकी वजह से 24 का जो इलेक्शन होने वाला लोकसभा उसमें बीजेपी को बहुत ही कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ेगा कांग्रेस से, नीतीश कुमार से, उद्धव बाला साहब ठाकरे से, ममता बनर्जी से। तो हम अभी ये महफिल की बात करें तो राहुल गांधी के सामने जब माइक आया तो उन्होंने भी मुस्कुरा के अनाड़ी का वो गाना गाए जो मुकेश ने राज कपूर के लिए गाया था, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम है अनाड़ी। पछाड़ दिया बीजेपी को कर्नाटक में, पछाड़ दिया, उसके बावजूद कितनी सादगी से कह रहे हैं कि सच है दुनिया वालों के हम है अनाड़ी। तो अब माइक दिया जेपी नड्डा की तरफ जो इलेक्शन रैली में कह रहे थे कि क्या था भारत 2014 के पहले, क्या था भारत, घुटनों के बल चलने वाला था भारत। तो अभी तो जब इलेक्शन के रिजल्ट आ गए तो उनको भी देख के शर्म आ रही होगी कि मैंने क्या अनाप शनाप बक दिया पब्लिक के सामने, रैली में मैंने क्या अनाप शनाप बक दिया। तो उसके बावजूद भी वो बोले कि भले ही हम हार गए, बीजेपी बहुत बुरी तरीके से करारी हार खाई, शिकस्त खाई कर्नाटक में, फिर भी वो सोच रहे हैं कि अगर मैंने पीएम नरेंद्र मोदी को खुश नहीं किया तो हो सकता है कि मेरी जो पोस्ट है नेशनल प्रेसिडेंट की वो भी हाथ से चली जाए, क्योंकि वो जिस स्टेट से आते वहां पे भी अभी जो असेंबली इलेक्शन हुआ था बीजेपी हार गई थी। तो उन्होंने भी मौके की नजाकत को देखते हुए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के सामने हर तरीके से कोशिश की कि वो पीएम नरेंद्र मोदी का दिल जीत ले, इसलिए उन्होंने चेतना का मुकेश का वो गाना सिलेक्ट किया जो कि बहुत ही ज्यादा हिट हुआ था, जिसके बोले मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, सदा का मतलब होता आवाज, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मेरी आवाज को दर्द के साज को तू सुने ना सुने, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। तिनका तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन,
आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव विजय भव